हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी ड्राइंग को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। वो भी आप किसी भी पिक्चर या फिर फोटो को आप ड्रॉ कर सकते हो, वो भी ऑटोकैड में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप किसी भी पिक्चर की ड्राइंग बनाना चाहते हो, लाइक खिड़की हुई, दरवाजे हुए या फिर किसी घर का नक्शा हुआ, तो आप उसको एडिटिव कैसे बना सकते हो, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। सपोज कीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर फोटो की ड्राइंग बनानी है। सपोज कर किसी जाली की ड्राइंग बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस पिक्चर को अपने इस ऑटोकैड पे पेस्ट करूंगा। तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट में है यहाँ पे रोस्टर इमेज परफॉर्मेंस, इस पर क्लिक करना होगा और डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आपकी कोई इमेज हो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मुझे ये इमेज बनानी है और इसको मैं ओपन कर लूँगा, ओके कर दूंगा। और यहाँ पर आप एक प्लेटफॉर्म बना लेंगे अपने हिसाब से, बड़ा छोटा जितना भी आप बना सको सीधा इस तरह। ये इस तरह से आपके पास एक आपकी फोटो आ जाएगी, आपके फोटो या पेज जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो सब। तो ये आपके पास आपकी फोटो आ चुकी है जिसे आप ड्रॉ करोगे। अब मुझे एडिटिव इसी तरह बनानी है, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, आपको देख ही रहा है ये एक मिरर पोर्शन है। अगर इसको मैं बीच में से डिवाइड करूँ तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, इसको आधा ड्रॉ करूँगा और आधा में इसको मिरर कर दूंगा। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, आपको ड्रॉ में जाना है और ड्रॉ में है यहाँ पे आपका स्प्लाइन पे है काउंटर वर्टिस, इस पर क्लिक करना है आपको। और एक पॉइंट आप पकड़ लोगे कोई सा भी, सपोज कि ये मैंने यहाँ से ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह मैं इसको ड्रॉ कर दे जाऊँगा। F8 दबा दीजिए फ्रेंड्स। इस तरह मैं ड्रॉ करते जाऊँगा जैसे जैसे लाइन बन रही होगी उस तरह से, इस तरह से मैं ड्रॉ करते जाऊँगा। आपका माउस बिल्कुल उसी लाइन पर चलना चाहिए जहाँ आपको ड्राइंग बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आप ड्रॉ करते चले जाओगे। आपकी एक परफेक्ट ड्राइंग बन जाएगी, जो भी आपको बनानी है वो इस तरह से आप देख रहे हो फ्रेंड्स, हल्की हल्की हल्की। अगर कोई गलती हो भी जाए तो फ्रेंड्स इसको बाद में सुधार लीजिए, पहले आप एक हल्का सा ड्रॉ कर लीजिए जिसे आप कच्चा चित्र बोलते हो, इस तरह आप ड्रॉ करते जाइए। ड्रॉ करते जाइए, ड्रॉ करते जाइए। सपोज करिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया, मुझे इसे दिखाना है, तो आप क्या करोगे, इस पिक्चर को डिलीट कर दोगे, सेलेक्ट करोगे और डिलीट कर दोगे। तो इस तरह से आपका एक हल्की इमेज बन गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आपको अगर पूरी ड्राइंग बनानी है तो कंट्रोल जेड जब प्रेस करोगे बैक जाओगे, ये आपकी ड्राइंग आ गई। इस तरह से आप ये बना लोगे। दोबारा आप अगर और भी ज़्यादा पोर्शन बनाना चाहते हो तो फिर दोबारा ड्रॉ में जाओगे, स्पैन पे क्लिक करके काउंटर पे क्लिक करोगे, जहाँ आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर दीजिए इस तरह से। ठीक इसमें थोड़ी आराम से ड्राइंग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी भी नहीं है इस तरह। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस जहाँ जहाँ आपका माउस जा रहा है और उस तरह से आप ड्राइंग बनाते जाइए। फ्रेंड्स आधी में बनाऊंगा, बाकी आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। सपोज कि मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो ये आपकी, इसे मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। अगर यहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप
को सेलेक्ट कर लीजिए, सिर्फ ड्राइंग को, पूरे को ड्राइंग सेलेक्ट मत कर लेना, वरना जो आपने बनाया था वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये देख लीजिए, ये आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, या आपके देखोगे तो ये आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।